जय मसीदी, सबको शांति मिले। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छी सेहत में हैं, तंदुरुस्त हैं, सेफली घर पे बैठे हैं। मतलब जिनको ज़रूरी नहीं है बाहर जाना, कम से कम वो घर पे बैठे और ऐसे बाहर नहीं घूम रहे हैं, ताकि जो बीमारी फैली हुई वो और ना फैले। खैर, आज हम पेट की बीमारी के बारे में बात करेंगे। पेट की बीमारी बहुत ही तंग करती है, बहुत ज़्यादा। भले कोई कितना भी मजबूत मन का हो, पर पेट की बीमारी काफ़ी काफ़ी दर्दनाक होती है। काफ़ी सारी पेट की बीमारी कभी कभी बचपन से होती है लोगों को। कभी पुश्तानी बीमारी है ये, कभी किसी ने श्राप दिया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है इसका। कुछ भी वजह तो कोई भी हो सकती है, पर मेन चीज़ है कि ये बीमारी रहनी नहीं चाहिए। इंसान भले औरत हो या आदमी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, तंदुरुस्त रहना चाहिए। क्योंकि पेट की बीमारी हो तो उससे मन, दिमाग, चाल चलन, रोज़ के काम सब में रुकावटें आ जाती है। कहते हैं कि पेट मेन जगह है शरीर का, जहाँ से बाकी सारे जगह काम करते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपने नाश्ता ना किया हो, तो आपका दिमाग, आपके काम सब एकदम स्लो हो जाते हैं, आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो। तो पेट सिर्फ पेट को ही नहीं कंट्रोल करता है, वो आपके दिमाग को भी कंट्रोल करता है, वो आपके सारे कामों को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए, अभी हम पहले प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना से पहले, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि यीशु मसीह को आप जितना भी उनको याद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उतना ही अच्छा है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कहीं आराम से बैठ के सोफे पे, चेयर पे, गार्डन में, जहाँ पे भी हो आप आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करके प्रार्थना सुनिए और ब्लेसिंग लीजिए इससे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। तो अभी प्रार्थना शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, कोटि कोटि प्रणाम। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जिनको पेट की बीमारी है। भले पेट में अल्सर्स हो, पेट में उनको रसोलिया हो, पेट में किसी भी तरह की दर्द, किसी भी तरह की तकलीफ जो कि नहीं जा रही है दवाई खाने से, या उनको मजबूरन दवाइयों पर रहना पड़ता है, जिस तरह की भी ये तकलीफ हो, एसिडिटी हो, रिफ्लक्स हो, कोई भी नाम हो इस पेट की बीमारी का, पिता परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि आप हम सब को ब्लेस करें। आप ऐसा चमत्कार करें कि ये पेट की बीमारी जड़ से उखड़ जाए और सिर्फ तंदुरुस्ती रहे शरीर में, खास करके पेट में। जिन जिन को भी ये तकलीफ़ है पेट की, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह इसी वक्त आपको ठीक करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपको स्वस्थ करेंगे, एकदम हेल्दी। आपको फिर दोबारा कभी पेट की तकलीफ नहीं होगी। आप भले चंगे रहेंगे, आप अच्छी सेहत में रहेंगे। जो भी बीमारी है पेट में, वो अभी के अभी बाहर निकल जाए और दोबारा ना लौटे कभी भी। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको इस प्रार्थना से फ़र्क पड़ा है तो ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी इस तरह की पेट की तकलीफ है, तो उनको भी ये प्रार्थना सुनाना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करे।
तंदुरुस्त रहिए, अच्छी सेहत में रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो तक गॉड ब्लेस यू।